अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डबल स्टोरी घर का नक्शा है। ये सामने इसका 3D एलिवेशन है, डिज़ाइन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चारों साइडें इस तरह डिज़ाइन किया गया है इसको। और अब हम चलते हैं इसके फ्रंट साइड के ऊपर। सबसे पहले इसका जो फ्रंट साइड का साइज़ है उसके ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज़ 30 फिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 35 फिट, 30x35 ये इसका प्लॉट साइज़ है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए हमने चारों तरफ गली छोड़ी हुई है, गैलरी है, पैसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ से किचन की वेंटिलेशन के लिए ये ओल्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किया है यहाँ से। और इस तरफ बेडरूम है, एक साथ में हॉल है छोटा सा, और इस तरफ से पैसेज है, ये सेफ्टी ग्रिल है, और ये है इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे मेन डोर है, और साथ में सीढ़ी ऊपर जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग और हॉल आ गया, ड्राइंग रूम प्लस हॉल। इस तरफ से सीढ़ी स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीढ़ी जा रही है ऊपर। ये रास्ता यहीं से है, मेन डोर के अंदर से रास्ता जा रहा है, और इस तरफ से पैसेज है। इस कॉर्नर पे किचन है, किचन के साथ यहाँ पे इसकी सेटिंग की गई है, हॉल के साथ ये वाला हिस्सा, और बेडरूम है ये। यहाँ सीढ़ी ऊपर जाती है, ये ममटी वाला हिस्सा आ गया, और ऊपर भी इसी तरह सेम एक बेडरूम है ऊपर, और फ्रंट के ऊपर इसके हॉल है, और सामने ये बालकनी है। तो ये ऊपर से शेडेड रूफ, और ये फ्रंट साइड, ये लेफ्ट साइड, और इसकी वेंटिलेशन के लिए चारों साइड पे विंडोज़, और ड्रेनेज के लिए ये स्लोप ड्रेनेज, और नीचे ये पाइप। इसी तरह इस तरफ भी पाइप है, और बैक साइड पे इस हिस्से की निकासी के लिए यहाँ पे ये ड्रेनेज है, और इस हिस्से की ड्रेनेज के लिए यहाँ पे ये है। सो ये है इसका डिज़ाइन, आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनवा सकते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके।